마다 최소한 감이야. ये आप जरा लड़के की स्पीड चेक करें। इस वक्त हम जो है पौरंगी के इलाके अल्लावड़ा में मौजूद हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बारबेक्यू और सॉरी नूरानी टुनाइट रेस्टोरेंट का नाम है। यहाँ पे हम मौजूद हैं, आइए चले चलते हैं, इसका थोड़ा सा विजिट करते हैं। ये नूरानी टुनाइट का रेस्टोरेंट है। ये भाई जो है ये रोस्ट वगैरह के मेरे ख्याल ये एक्सपर्ट हैं, और अगर आप थोड़ा सा बता सकें इस वक्त अभी क्या बना रहे हैं आप? जिंगर बर्गर। जिंगर रोस्ट है, जिंगर बर्गर बना रहे हैं। अच्छा, अभी ये फ्राई हो रहा है। उस वक्त यहाँ पे जिंगर एक तैयार हो रहा है, वो भी हम देखते हैं। अभी ये जिंगर तैयार हो रहा है, इनकी ये स्पेशल सॉस है, ये उन्होंने लगाया है दिल के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो डिप आपने लगाया है आपकी अपनी रेसिपी, इसके जो मसाले वगैरह जो भी आपने लगाया। अपने नाम बताएंगे भाई? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, अच्छा, और अपने बारे में, अपने एक तजुर्बे के बारे में, और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे बनाते हैं? सही, यानी कि रोस्ट और क्रिस्पी से रिलेटेड जितना भी आइटम है वो सारा आपको तैयार कर रहे हैं स्पेशली ये। सही, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी चिप्स हैं ये, और एक अरसे से है यहाँ पे इस इलाके में। ये बताएंगे भाई ये क्या तैयार हो रहा है? चिकन फ्राई। चिकन फ्राई, तो इसका पूरा नाम क्या है? चिकन फ्राई है या और कुछ कहते हैं? चिकन बोनलेस फ्राई। ज़बरदस्त, ये इसमें क्या मसाले हैं थोड़ा सा बताएंगे आप? आप बताएं, थोड़ा सा बताएंगे आप इसमें भाई? मसाला है, नमक और टमाटर डाले हैं। सही, अब ये फ्राई होगा। ये मुख्तलिफ सालन वगैरह जो आपने बनाया है,
ये देखें नाजी, जैसे कि आप देख रहे हैं बेहतरीन मसाले डाले हैं इन्होंने और हॉट प्लेट पे तैयार हो रही है। इसमें बोनलेस चिकन है, इसमें टमाटर है, बहुत से स्पाइसेस हैं और कटी मिर्चें हैं, अदरक के और बहुत से जूसी फ्लेवर हैं जो उसमें नज़र आ रहे हैं। अब ये तैयार हो जाती है तो हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे थोड़ी देर। इनके पास जो है ये रोल भी अवेलेबल हैं, मेन्यू कार्ड कहाँ है आपका? मेन्यू कार्ड तो सर अभी बना है, इसका थोड़ा सा ओवर लुक देखते हैं हम इसके प्राइजेस का। नूरानी टुनाइट का जिंगर रोल इनका 60 रुपये है, जिंगर बर्गर और चिप्स के साथ 120 रुपये, चिकन बर्गर प्लस चीज़ 120, मलाई बॉडी रोल 70 और बीफ बर्गर है इनका ये और चिप्स के साथ में, मतलब जो भी डील है चिप्स के साथ में, ये क्लब सैंडविच चिकन सैंडविच रोल मलाई बॉडी रोल वगैरह। चपली कबाब इसके अलावा दस्तियाब है। चपली कबाब की क्या रेट है? 40 रुपये, बहुत रीज़नेबल रेट है। ये जी चपली कबाब बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये साहब जो हैं ये मेरा ख्याल है यहाँ के ओनर भी है और सुपर शेफ है यहाँ के, उन्होंने बारवी सॉरी नूरानी टुनाइट को ये लुक आफ्टर करते हैं पूरा। ये यहाँ पे इनके कस्टमर हैं बहुत ही शौक से ये लोग खाते हैं चपली का ब्रासरी वगैरह। हो गया ये जी ये डिश तैयार हो गई है। ये जो उन्होंने बताया था चिकन फ्राई है, बहुत ही स्पाइसी और बोनलेस है ये, आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा मैं अगर ज़ूम करूँ। ये देखिए गर्मा गर्म चपाती तैयार हो रही है इनकी। ये आप ज़रा लड़के की स्पीड चेक करें, ये
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? नाम बताएंगे भाई आप? अहमद इरफान साहब। अच्छा, इस होटल के बारे में बताएं, नूरानी डोनेट का कौन सा आपके दिमाग में कैसा है और आपने कब यहाँ पे इसका आगाज़ किया और आपकी मेन प्रोडक्ट क्या? असल में इस होटल को, इस फिलहाल टोन में सबसे पुराना होटल हमारा ही। सही, तो उसको 13-14 साल हो। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हैं भी अपने टेस्ट के बिना से। टेस्ट हमारा अच्छा है तो हम कामयाब हैं। तो यहाँ पे कितने होटल खुले, कितने बंद हो गए, आते रह जाते हैं, हम नहीं अपनी जगह से। सही। अच्छा, इससे पहले या पीछे आपका ताल्लुक कहाँ से रहा? इसके अलावा भी आपकी कोई ब्रांच है या कुछ? नहीं, इसके अलावा ब्रांच नहीं है, लेकिन मैंने बहुत जगह काम किया, कराची में भी किया, पंजाब में भी किया, इस्लामाबाद में भी किया, हिंदुस्तान में किया, मतलब हर जगह पर। आपकी यहाँ की स्पेशल रेसिपी क्या है और स्पेशल प्रोडक्ट क्या है जो आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं? स्पेशल हमारे जो है फ्राई है और बारबी। फास्ट फूड जो है हमने वक्त के साथ शुरू किया है, लेकिन शुरू से हमारा जो था रोल, बारबेक्यू और चिकन फ्राई। अच्छा, कटाकट वाला आइटम भी मैंने यहाँ पे कुछ देखा, तो वो भी आपके पास कुछ आइटम है? कटाकट भी होता है, कटाकट के अंदर हमारे पास चिकन होता है, ग्लेजी होती है, मगज होता है, चिकन कीमा होता है, फिश कीमा होता है, कटाकट में होता है। उसके अलावा कढ़ाई भी है हमारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल एक्सप्लोर कराची को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। शुक्रिया।